जनपद भदोही विधानसभा क्षेत्र भदोही 392 से भारतीय जनता पार्टी के घोषित प्रत्याशी रविन्द्रनाथ त्रिपाठी ने कहा कि 2022 में विकास ही सबसे बड़ा मुद्दा है चुनाव लड़ने के लिए, और कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने अब तक जितना विकास हुआ है ना तो कोई पार्टी कर पाई और ना ही कर पाएगी, और कहा कि भारतीय जनता पार्टी के साथ सर्व समाज के लोग जुड़े हुए सबसे ज़्यादा प्लस, और कहा कि यह बात भदोही विधानसभा की जनता साबित कर देगी। लेकिन इन 40 वर्षों में मैंने ऐसा तूफान कभी नहीं देखा। जहाँ जाइए वहाँ मोदी योगी, बच्चे से लेकर के नौजवान, बुजुर्ग, माताएं, बहनें, केवल एक ही नाम है मोदी और योगी, कमल का निशान। इसके लिए मुख्य रूप से जो हमारे विकास के मुद्दे हैं, उन विकास के मुद्दों पे हम काम कर रहे हैं। हम उन विकास के मुद्दों की अगर बात करें तो मैं केवल संक्षिप्त में ही कहना चाहता हूँ, और विरोधी लोगों से कहना भी चाहता हूँ कि आज़ादी मिले मुझे आज 75 साल से अधिक हो रहा है। इन 75 वर्षों के पहले अधिक केवल कांग्रेस, सपा, बसपा, इन सभी लोगों की गठबंधन की सरकारें थी, लेकिन लोगों ने जाति को जाति में बांटने का काम किया, एक दूसरे को लगाने का काम किया, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। उसी तरह आज भारतवर्ष ही नहीं, अगर मैं भदोही की बात करूं तो भदोही में जो गंगा जमुनी की तहरीज है, आज चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, हम लोग भारतीय जनता पार्टी में अपनी आस्था व्यक्त कर रहे हैं और कमल के बटन को दबाने के लिए बेताब हैं।